याचना चाहे, प्रभु के दरबार में जाते, प्रभु कहते बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक, उससे साबुन तेल शैम्पू जैसे उसने मांगा, हम भी वही मांगते, बस थोड़ी सी हमारी औकात के हिसाब से बढ़ देते हैं। घर दे दे, गाड़ी दे दे, नौकर दे दे, चाकर दे दे, ये मांग लिया। लेकिन कोई हजारों में से एक ही ऐसा निकलता है जो मंदिर में जाके कहता है प्रभु मुझे इस दुनिया से मुक्त कर दे, मुझे अपने चरणों में बिठा ले। और जो मांगता है, क्या प्रभु की इतनी चुटकी बजाते प्रभु मुक्त कर सकते हैं? कोई मांगे तो सही, कोई कहे तो सही प्रभु इस माया से बचाओ। हम तो उल्टा माया में घुसने की चीज मांगते, भगवान पोता दे दे, भगवान छोरा के लिए बढ़िया सी बहू भेज दे, भगवान छोरी के लिए बढ़िया सा रिश्ता भेज दे। आपको सुन के की भी हंसी आएगी। लोग हमारे पास कथाओं में अपनी अपनी लड़कियों के बायोडाटा लेके आते कि कहीं कोई बढ़िया सा जुगाड़ बैठ जाए तो हमें फोन कर देना, मिस कॉल मार देना, फोन हम कर लेंगे। हम कथा करने लिखने की उन छोरियों के लिए रिश्ता ढूंढने की, मांग ही अजीब है। बहुत सुंदर बात भजन में कही गई कि माया से बच सकते, माया उसको नहीं काटेगी जिस पर राम की कृपा। और कहा कि भैया दुनिया में लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप तो भक्ति करते रहो, आप तो भजन करते रहो, लगे रहो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप सब श्रोता है अपने हैं इसलिए बता रही हूँ, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है इस बात को बताने का। पिछले महीने गौसेवा धाम का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ होटल के पास में। तो भूमि पूजन होने के बाद कथा जब थी, तो जो लोग कथा में यहाँ से भी गए थे, टीवी पर भी जिन्होंने देखा था, कथा पंडाल के बाहर एक गौ माता खड़ी थी जो जली हुई थी। तो कथा शुरुआत में ही हम उनको लेके आ गए थे कि कम से कम एक गौ माता की सेवा तो हम कम से कम शुरू कर दें। अभी कोई बहुत बहुत विशाल कोई हॉस्पिटल बना नहीं, तो चलो शुरुआत में एक एक से तो शुरू करो, कम से कम एक की तो रक्षा करो। तो गौ माता आ गई और गौ माता की सेवा की गई, और गौ माता जब पहले आई थी वो बड़ी जली हुई थी, और जली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो डॉक्टर आता था दो चार दिन में, वो देखता था, वो धीरे धीरे लगभग ठीक होने लगी। लेकिन क्या हुआ, कथा के समय में, कथा के नजदीक में गांव था होटल के नजदीक, वहां से कोई एक भैया कथा में आता था रोज। वो भैया था कि कौन था, मैंने तो सुना है उनके बारे में, कभी उन्हें देखा नहीं। तो कथा में वीआईपी पास था जिनको आगे बैठना है, वीआईपी पास के लिए रोज झगड़ा होता था, हम वीआईपी, हम आगे बैठेंगे, हम सोफे पे बैठेंगे, हम कैमरे में दिखने चाहिए। तो कहते कहते अरे भैया ये कैमरा तो ज्यादा तुमको कुछ देशों में दिखाएगा, इस कैमरे में आने से कोई फायदा नहीं है, आना तो उसके कैमरे में आओ। उसके कैमरे में जिस दिन आ गए, उसके कैमरे में ना तो डिलीट का कोई ऑप्शन है, ना कॉपी का कोई ऑप्शन है। ये कैमरा तो खराब भी हो सकता, उसका कैमरा खराब नहीं होगा, फोटो भी डिलीट नहीं होगी उसकी नजरों में आप। अरे खैर, फिर भी अपनी अपनी मानसिकता है लोगों की। तो वो लड़ता था रोज कथा में, झगड़ा करता था पास के लिए, और 7 दिन तक उसने खूब झगड़ा किया, उसको किसी ने नहीं दिया पास। लेकिन जब कथा विश्राम हो गई, खत्म हो गई, तब न जाने कहां से 3-4 दिन बाद आया, दो चार एक आध कोई मीडिया वालों को ले आया, आकर के वो गौ माता की फोटो खींची, और गौ माता के ऊपर कोई चींटी चढ़ रही थी, चींटी चढ़ गई थी गौ माता के ऊपर। उसको जाके दूसरे दिन सब जगह मीडिया में जाके बता रहा है, अरे उनकी गौ माता के अंदर तो कीड़े पड़ रहे,
देखता, चींटी उसको कीड़ा दिखाई देता। अब आप बैठे हो, आपके ऊपर कोई चींटी चढ़ जाए तो क्या मैं ये कहूंगी कि इस इंसान के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं? पर अपनी अपनी मानसिकता है। तो ये सब लोग, मैंने बार बार कहा, जब भी ट्रस्ट की मीटिंग होती है, जब भी कुछ होता है, बातें होती है, मैं हर बार कहती हूँ, अरे ये तो शुरुआत है, इससे तो अभी आप एक गौ माता लाए हैं तब ये लोगों ने कहना शुरू किया, अभी तो कितना कुछ सहना पड़ेगा, आप अब तक कुछ किया नहीं तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन अब कुछ करना शुरू करोगे तो कुछ सुनना भी पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार हो तो आगे बढ़ो, अगर तैयार नहीं हो तो अपने घर बैठे 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 रहो, कोई कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। कई लोग मुझसे आके पूछते हैं, अच्छा आप ये बताइए, एक कथा आप अपनी मर्जी से करते हो या माँ बाप ने कोई फोर्स कर रखा है, जबरदस्ती बिठा देते हैं? चाइल्ड लेबर होती है ना एक, भाई 18 साल से कम उम्र की काम नहीं कर सकते, तो बार बार आके पूछते, तो मेरी शक्ल से दिखता है कि यहाँ में मुझे फोर्स करके बिठाया गया? अजीब मानसिकता है, परंतु फिर भी मीराबाई से इन सब से सीखना चाहिए कि हमेशा खुश रहो, जो जो कहे कहने दो, बस आप अपना काम अच्छा करो। ये सबके लिए लागू होता है, आप यहाँ जितने बैठे हो। तो देखिए समय बहुत बहुत हो गया और अभी तो कथा की शुरुआत ही चल रही है, संक्षेप में कथा को आगे बढ़ाते हैं। 24 अवतारों का वर्णन आया, इसके पश्चात श्री व्यास जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की। व्यास जी बहुत विद्वान है, लेकिन नारद जी ने कहा कि महाराज आप जो भी कर्म करते हो उस कर्म को जब तक आप भगवान के लिए समर्पित नहीं करोगे तब तक वो आपका कर्म सच्चा कर्म नहीं माना जाए, जो भी कर्म करो उसको प्रभु के चरणों में समर्पित करो। एक कथा पंडाल के बाहर सड़क पर एक जूता गांठने वाला मोची बैठा हो, एक वास्तविक घटना एक कथा में हुई थी, मोची बैठा था तो श्रोता आते हैं कथा सुनने के लिए, तो एक श्रोता की चप्पल टूटी, उसने मोची के पास जाके वो ठीक कराई, जब वो 10 रुपया निकाल के देने लगा तो मोची ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं भैया इसकी मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा क्यों? कहा कि देखो मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है कि मैं कथा में जा सकूं, कथा में गया तो फिर शाम को घर में रोटी नहीं मिलेगी खाने को, क्योंकि मेरी रोजी रोटी सिर्फ दिन में जो कमाता हूँ उसी से चलती है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो कथा में जा रहा है उसकी अगर इतनी सी सेवा मैं कर दूं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी कथा श्रवण। जितनी सेवा आप कर सको, इस कथा में बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवा दी तन मन धन से, सबकी सेवा का नाम भी ले लिया जाता है, उसने फलाने इतने लोगों को जोड़ा या धन दिया, ये दिया वो दिया। मैं देख रही थी अभी भी देख लो आप, ये भैया जो है ये जल को साइड में कर रहे हैं, कथा की शुरुआत से ही लगे हुए, बारिश है सभी जानते हैं, पंडाल में जल भर रहा है, इसलिए कथा शुरुआत से वो वहां बैठे बैठे उसको साफ कर, इनकी सेवा क्या इस कथा में कम है? बस ये है, हम देखते नहीं, सेवा तो बहुतों की है लेकिन हम पहचानते नहीं। तो जो कर्म हो उसको जरूर प्रभु को समर्पित करना चाहिए। व्यास जी ने भागवत की रचना की, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, भागवत की रचना को फिर अपने शिष्य को सिखाया। शिष्य जंगल में जब लकड़ी काटने के लिए जाते थे तो उन श्लोकों का शिष्य पाठ करते थे, सुखदेव जी ने उन श्लोकों को सुना, श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जब वो श्लोक गए
मन जिनका एकांत में निराकार का ध्यान करता था, आज भगवान के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन सुन के सुखदेव जी भी नाम महिमा में मस्त हो गए। अब एक भंडारा जब होता है तो भंडारे में भोजन बनाने वाला एक हलवाई होता है, भोजन वो बना देता है, फिर उसको परोसने वाला एक समझदार व्यक्ति होता है जो परोसना ढंग से जानता हो। परोसना भी एक बहुत बड़ी कला है। गुड़गांव की कोई एक सेठानी हो जो दिन में एक दो फुलका खाती हो, उसके सामने हमारे वृंदावन के चौबे जी को बिठा दो भोजन के लिए, तो दो तीन पूड़ी रख के तो कमर पकड़ के बोलेगी महाराज और लाऊं। महाराज का ऐसे काम नहीं चलता, महाराज खीर भी बाल्टी में रख के पीते हैं। अभी वृंदावन के कई चौबे आज भी ऐसे, कभी उनको भोजन करते देख लो तो परोसना एक कला है। लेकिन परोसे किसको, जब भूखा बैठा हो तभी तो परोसेंगे। वैसे ही भागवत की सामग्री को मिलाकर के व्यास जी ने बड़ा सुंदर भोजन तो बना दिया। भोजन 56 प्रकार का होता है, लेकिन इस भागवत में 18,000 प्रकार के व्यंजन है, 18,000 श्लोकों से बनाई गई है ये व्यंजन। तो हलवाई ने भोजन बना दिया, अब परोसे कौन? सुखदेव जी से अच्छा परोसने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, जिसको शरीर पर कोपिन तक का भी ख्याल नहीं। परीक्षित भी आ गए, सुखदेव जी भी आ गए, अब तो सिर्फ बाकी है इस कथा का सच्चा जिज्ञासु प्यासा, वो है परीक्षित जी। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, श्री परीक्षित जी महाराज की कथा का वर्णन आता है। महाभारत की कथा आप सभी जानते हैं, बड़ी ही सुंदर प्यारी कथा है। वेणु बजाने वालों को पांडवों ने शंख बजाने पर मजबूर कर दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शरणागति के कारण। समय बहुत कम है, बाकी महाभारत की कथा तो ऐसी है जिसमें युगों युगों बीत सकते हैं, इतनी अद्भुत कथा है। एक ही चीज महाभारत की कथा से बस यही सीखिए, पांडवों के ऊपर विपत्ति बहुत आई, पांडवों के ऊपर दुख भी बहुत आया, और दुख में भगवान की याद भी बहुत आई। विपदा जब आती है तब बड़े बड़े मन से महामंत्र का जाप निकलता है, और जब विपदा नहीं होती तो माला पकड़ के हरे कृष्णा ऐसे ही बस टाइम पास करते हैं। इसलिए बुआ कुंती ने विपदा भी मांगी, प्रभु ने वो आशीर्वाद भी दिया कि बुआ आपकी इच्छा पूरी हो। माँ कुंती को पांडवों से सब कुछ छीना भगवान ने सब प्रथम, और फिर सब कुछ दिया। ये प्रभु का भागवत में लिखा है, प्रभु कहते हैं यशा मनु ग्रहनामी हरिष्ये तद्धनम सनै ततो धनम त्यजन तस्य स्वजना दुख दुखितम। जब प्रभु अपने भक्त को पास बुलाते हैं सबसे पहले उसका धन छीनते हैं, फिर उसके सगे संबंधी छीनते हैं, फिर उसके कमाने के सारे प्रयत्न को विफल कर देते हैं, और तब फिर प्रभु उसे एक भक्त के सच्चे सानिध्य में लाते हैं। ये भागवत के वचन। पांडवों ने सुख में भी दुख में भी हमेशा प्रभु को याद किया। माँ उत्तरा के घर में जो बच्चा था अश्वत्थामा ने उस बच्चे का ब्रह्मास्त्र संधान किया, उस बच्चे की रक्षा के लिए प्रभु माँ उत्तरा के गर्भ में गए,
परीक्षित जी की रक्षा की। अश्वत्थामा ने इसलिए ब्रह्मास्त्र संधान किया क्योंकि द्रौपदी के पांचों बच्चों को इसने मारा था और पांडवों ने इसके अपमान के लिए जब इसने बच्चों को मारा, तब जब अर्जुन जी से पकड़ के लाए तब द्रौपदी वही खड़ी थी। द्रौपदी जो है वो दया का रूप है। जब अश्वत्थामा आया घसीट के इसको ला रहे थे, तब देवी द्रौपदी ने कहा, हे अर्जुन आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दो, क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा हमारे गुरु का बेटा है, पूजनीय है, आप इसको मत मारो। अब अर्जुन जी तो धर्मराज थे, उन्होंने द्रौपदी की बात सुनी तो वो तो बड़े खुश हो गए कि द्रौपदी देखो कितना अच्छा भाव है। कहा हाँ हाँ अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन भीम दादा जो थे वो तो क्रोध तो बिल्कुल नाक पर रहता था, बड़े क्रोधित हुए, नहीं नहीं इसको तो मार देना चाहिए। अब अर्जुन ने सोचा क्या करें, मारे कि छोड़े। तब उसी समय भगवान कृष्ण की तरफ नजर डाली। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भैया ऐसा न्याय करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अर्जुन ने कहा महाराज बताइए तो सही। बोले देखो मेरा न्याय तो ये कहता है कि एक ब्राह्मण के बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, एक ब्राह्मण के बच्चे को कभी मारो मत, और एक एक बाल हत्यारे को कभी छोड़ो मत, ये मेरा न्याय कहता। अब सारे बैठे बैठे वहां टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखे जा रहे हैं। बोले आप जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाएं फिर तो हो लिया न्याय, मार भी दो छोड़ भी दो। लेकिन प्रभु की वाणी का जो भाव था वो यही था कि एक ब्राह्मण का, एक इज्जतदार व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसके मृत्यु के समान। ब्राह्मण की एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बता सकते हो कोई? हाँ छोटी। हमारे ब्रज के एक बाबा हैं, वो ब्रज में विचरण करते रहते, तो वो कहते हैं कि वो चोटी रखते हैं, तो वो कहते हैं ये मेरी जो चोटी है ये एंटीने की जैसी है, इससे मुझे ठाकुर जी से एक टावर वो नेटवर्क मिलता रहता है। आज कहाँ चोटी, आज तो उल्टे सीधे बालों को बनाने में लगे, काले पीले हरे नीले, ऐसे लगता है करंट लग गया हो बालों को। एयरपोर्ट पर जाओ तो ऐसे ऐसे मॉडल मिलते हैं कि पूछो, और अफ्रीका चले जाओ तो बस ऐसे अद्भुत लोग मिलते हैं। तो खैर अश्वत्थामा का अपमान किया गया। अश्वत्थामा उसी अपमान के बदले के लिए परीक्षित के गर्भ में जो थे उनकी हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है, परंतु प्रभु जाते हैं परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार श्री सूत जी ने यहाँ तक की कथा का वर्णन किया। इसके आगे कथा को बढ़ाएं उससे पहले आइए 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। श्री महाराज श्री हमारे बीच पधारे हैं, महाराज श्री को बहुत बहुत नमन प्रणाम। सभी 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। जय राधे जय कृष्ण जय हो वृंदावन, 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 जय राधे जय कृष्णा।
गोविंद गोपाला मदन मोहन। जय गोविंद गोपाला मदन मोहन। जय गोविंद गोपाला मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज आश्रम हरि मंदिर पटौदी से हमारे बीच दर्शन देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ की ओर से महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन और दंडवत प्रणाम। बजानी है तो ढंग से ही बजा दो, मक्खिया से मारे अच्छे तरीके से बजाओ। तो आइए जो शेष कथा बाकी है उसको हम श्रवण करते हैं। महर्षि का आशीर्वचन भी हमें कथा के विश्राम में प्राप्त होगा। तो बात चल रही थी ब्राह्मण की चोटी पर और जो भी हो, मैंने कहा कि आज के जो देखने को जो मिलता है नौजवान उल्टी सीधी चीज़ों में करने में शर्म नहीं करते, लेकिन भगवान नाम की कोई चीज़ हो तो बड़ी शर्म आती है। ऐसा नहीं हो। साथ ही साथ मेरा एक और प्रार्थना है व्यासपीठ की ओर से, मेरी आप सब के लिए बहुत दिल से प्रार्थना है कि आप सब जो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो किसी पशु को दुख दे करके उस चीज़ को बनाया जाता है। कोई महिला होती है वो लेदर का पर्स इस्तेमाल करती है, कोई भाई लोग होते हैं तो वो बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। कृपया जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आप इस चीज़ से ज़रूर बचें, क्योंकि हमारे लिए न जाने कितने पशुओं को सिर्फ ये फैशन के लिए मारा जाता है, कितने पशुओं को। और पशुओं में अगर इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा किसी को मारा जाता है तो वो बकरा इत्यादि तो है ही है, साथ साथ में इसके लिए अगर आप सर्च करें तो गौ माता की हत्या बहुत की जाती है इस चीज के लिए भी। तो अगर इस चीज को हम लोग अपनाना बंद कर दें तो हमारे देश में बहुत प्रतिशत पशु हत्या गौवंश की हत्या बंद हो सकती, बहुत बड़ी मात्रा में। अरे आप ये सोचिए, किसी ने सच ही कहा था, एक बहुत बड़ी महिला हुई जो बाद में, पहले वो नॉन वेज खाती थी फिर वो वेजिटेरियन हो गई, उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि कसाई घर में अगर खिड़कियां होती तो हर एक आदमी मांस खाने से डरता। चलो एक पहनने के लिए कोई उपयोग करे तो वो तो एक अलग बात है, लोग अपने स्वाद के लिए हत्या करते, इससे बड़ा पाप दूसरा क्या हो सकता है। एक गौ माता को कसाई घर में जाके जब मारा जाता है, आप यकीन मानिए, मैंने सीधे कभी नहीं देखा पर मैंने रिसर्च करके, लोगों ने कई बार लोग आते रहते दिखाते रहते हैं। आज से शायद 5 दिन पहले ही मुझे एक ऐसी दृश्य दिखाया गया जिसको देख करके आदमी कांप उठता,
कम से कम 100 गौ माता खड़ी हैं, ला रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। इतना साबित दया नहीं। अरे भारत अगर भारत है तो गाय इस भारत की मूल है, तब ये भारत है। अगर वो ही नहीं बचेगी तो किस चीज का भारत। हमारे हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद गाता है, त्वम माता सर्व देवानाम, त्वम च यज्ञस्य कारणम, त्वम तीर्थम सर्व तीर्थानाम। आप यज्ञ हो, तीर्थ हो, सब कुछ आप हो। गिरिराज जी में, ये आज से कुछ बहुत समय पहले की घटना है, सत्य घटना है। गिरिराज जी में एक गुजरात के कोई पटेल आए, श्रीनाथ जी जो गिरिराज जी के पर्वत पर बना हुआ है प्रभु का मंदिर, वो श्रीनाथ जी गए और जाकर के जो वहाँ के पुजारी थे उनसे कहा कि महाराज आप मुझे कोई सेवा दे दो जो मैं सेवा करूं। तो उन्होंने, पुजारी जी ने कहा कि पहाड़ से नीचे एक गौशाला है, तुम उस गौशाला में जो गोमूत्र है, गोबर है, उसकी साफ सफाई किया करो रोज, ये तुम्हारा काम है, ये सेवा है तुम्हारी। वो पटेल बेचारा रोज गौ माता के उस स्थान को साफ करता सुबह शाम। शाम को भोजन के लिए वो श्रीनाथ जी ऊपर जाता था, साफ सफाई करके फिर शाम को भोजन के लिए श्रीनाथ जी जाता था, उसको पुजारी जी भोजन देते थे, भोजन करके वापस आ जाता, पूरी रात वहां रह के गौ रक्षा करता। लेकिन एक दिन इतनी तेज बारिश आई, पूरी गौशाला में पानी भर गया, चारों तरफ पानी पानी, गौ माता पानी में भीग रही है, चारों तरफ गोबर फैला हुआ है। वो बांध के अपनी धोती लगा सफाई में कर रहा है, झाड़ू पोछा सफाई करता रहा। कब शाम हो गई, कब रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला, भोजन का समय खत्म हो गया। इतना सेवा में लीन था कि भोजन का भान नहीं रहा, अब क्या करे। सोचा अब तो सब सो गए होंगे, इसलिए चुपचाप खाट बिछाई और आधी रात को वो भी सो गया। लेकिन वो तो सो गया, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर जो श्रीनाथ जी बैठे थे वो नहीं सोए। बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे उसने तेरी प्यारी गौ माता की सेवा की, तू उसके लिए क्या करे। उसने तेरी गौ माता की सेवा की, अब तू उसकी कर, कैसे करे। तो श्रीनाथ जी में क्या होता है, जो पुष्टि मार्ग के लोग होते हैं, रात को श्रीनाथ जी के पास में एक एक कटोरी में लड्डू रख देते हैं कि कहीं हमारे ठाकुर जी को रात को भूख लगी तो किसको जाके कहेंगे, इसलिए लड्डू रख देते हैं, जिस बर्तन को बंटा बोलते हैं। ये पुष्टि मार्ग की पूजा है। और साथ में एक छोटे से ग्लास में जल रखते हैं, जिसको शायद छरी बोलते हैं, शायद मुझे ऐसा मालूम है, बंटा छरी। तो वो ठाकुर जी के लिए रखी जाती थी रोज। अब सुबह हुई, सुबह जब उठ करके जो पुजारी जी थे उन्होंने सफाई की, ठाकुर जी को जगाया, देख के चक्कर में पड़े, हल्ला मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, ठाकुर जी की छड़ी बंटा चोरी हो गई, सोने चांदी की होती है, सबने सोचा चोर ले गया, चोरी हो गई, चोर, अब चोर को ढूंढो, चोर कौन है। चोर वहां बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, क्यों, क्योंकि आधी रात को जब जब शाम हुई तो वो जो पटेल था वो हाथ में छड़ी और वो बंटा लेके आया, सबने पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, ये चुरा के लेके गया। उसने कहा भैया काहे का चोर, कैसा चोर, रात को तुम्हारे आश्रम से, तुम्हारे मंदिर से एक आदमी आया था, कह रहा था कि ये लो, तूने रात को भोजन नहीं किया इसलिए पुजारी जी ने यही भेज दिया, वो झंटा झरी लेके आया था। बस कहना क्या, इसमें समझने की कौन सी बात थी, लोग चरणों में गिर पड़े, वाह भैया असली चोर तो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, वही रूप बदल के वहाँ भोजन करा के वापस आ, खुद नहीं खाया लेकिन जिसने मेरी गौ माता की सेवा की उसकी सेवा ठाकुर ने की। अब ये तो हुई भगवान की बात, लेकिन इंसान क्या कर रहा है ये भी तो सोचे। आज के समय में भारत की जो
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कत्लखाना बताया जाता है हैदराबाद में। एक देवनार का कत्लखाना है, एक बम्बई का है, जहाँ सबसे ज़्यादा गोहत्या होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, ये कई कई साल पहले की रिपोर्ट है, एक वर्ष में भारत के अंदर 365,164 गौवंश की हत्या की जाती है, जिसका हिसाब लगाए एक दिन में 50,000, एक घंटे में 2100 और एक मिनट का अगर हिसाब लगाए तो 35 गौवंश एक मिनट में काटा जाता है। कितने दुख की बात है। अरे अगर आप आध्यात्मिकता से गौ माता को नहीं मानते, कम से कम एक सामाजिक तौर पर मानिए कितना कुछ देती है। ये साइंस की रिसर्च है कि एक गाय का गोबर एक साल में 8,500 लीटर बायोगैस बनाता है पर ईयर। एक साल में 8,500 लीटर बायोगैस बन सकती है एक गौ माता के गोबर से। जहां दुनिया में हाहाकार मचा है गैस के ऊपर, वहां अगर आप गौ माता अपने घर में रख ले, किसी भी तरीके से देखो, हर तरीके से गौ माता अच्छी है। 6,80,00,000 टन लकड़ी बच सकती है अगर बायोगैस गौ माता के गोबर से बचे। करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का फायदा भारत को हो सकता है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जिन लोगों की सामर्थ्य है अपने घर में गौ माता रखने की, वो घर में रखे। सामर्थ्य तो खैर सबकी है, बहाने लगाने के लिए तो बहुत बहाने हो जाते हैं। बड़े बड़े तथा कथित अमीर लोग जो कहते हम अमीर हैं, घर में कार हाउस बनाते, कार का गैरेज बनता है। मेरी प्रार्थना है अपने घर में, अपने फार्म हाउस में एक कार हाउस के साथ साथ एक काऊ हाउस भी बनाना शुरू करें। घर में 5-5, 6-6 गाड़ी खड़े करने के लिए तो जगह है, पर एक गौ माता रखने के लिए जगह है। अरे अच्छा ही तो है, अगर हर एक हिंदू अपने घर में गौ माता रख ले तो गौ माता कहीं जाएगी नहीं। जब खाली गौ माता घूमती है रोडों पर, तब उसकी हत्या होती है। जब गौ माता खाली घूमेंगी नहीं तो कौन हत्या करेगा। अभी देखो 4 दिन पहले ही हमारे ये नूह में कितना भयंकर हंगामा हुआ, आप सबने टीवी पे सुना होगा। जाम लगा दिया एक गौ माता के हत्या के ऊपर। करना चाहिए गौ माता की रक्षा के लिए, तो लोगों ने जान दे दी, हमको कुछ तो करना चाहिए। खैर गौ माता के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, पूरा दिन भी निकल सकता है, पर फिर भी जितना हो सके आप सब सेवा अवश्य करें। तो अब काल कर्म के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ। प्रभु श्री द्वारिका गए, पीछे से श्री उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, प्रभु पृथ्वी छोड़ के गोलोक चले गए। पीछे से पांडव भी अपना घर द्वार छोड़ के बन गए, भजन किया, प्रभु को प्राप्त किया। परीक्षित जी बड़े हुए, हस्तिनापुर के राजा बने। एक गौ माता का अपमान हो रहा था, परीक्षित जी सह नहीं पाए। जो गौ माता का अपमान कर रहा था वो स्वयं कलयुग था। उसको कहा तू इस राज से चला जा, 4 स्थान दिए रहने के लिए, जहाँ हिंसा होती हो, शराब पी जाती हो, वैशाल्य, मदराल्य, 4 स्थान पर कलयुग को स्थान मिला। 5वां स्थान मिला सोने में। कलयुग परीक्षित जी की बुद्धि में बैठा, सोने का मुकुट पहना था, बुद्धि भ्रष्ट घूमी। परीक्षित जी जंगल में गए, श्रमिक ऋषि का अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन परीक्षित राजा को तक्षक नाग आके डसेगा।
उस 7 दिन में प्रभु की प्राप्ति कैसे हो? जहां 7 जन्म भी जाते हैं, जब परीक्षित जी गंगा किनारे गए, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, सबसे पूछा कि महाराज मृत्यु नजदीक है, 7 दिन में कौन है जो मुझे भगवान से मिलाएगा? सबकी गर्दन नीचे, अरे भैया हमें जन्म जन्म बीत गए तब करते करते, पेड़ों पर उल्टे लटकते लटकते भूखे रह के आज तक हमें नहीं मिले, तुझे कहां से 7 दिन में मिल जाएंगे? ऐसा कौन सा साधन जो 7 दिन में प्राप्त करा सके? कोई नहीं कर पाया। लेकिन तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदि छसि गाम तमानुपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभूतष्टो व्रतस्य बाले रवधूतवेश। सुखदेव जी वहां आए, 7 दिन में क्या परीक्षित 7 क्षणों में तुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है? कैसे प्राप्ति हो? इसी के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण कराया। आज की कथा को हम सब विश्राम दें, उससे पूर्व सभी कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। शांति बनाते हुए कीर्तन के पश्चात आरती का दर्शन करके ही सभी अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने किस प्रकार परीक्षित को कथा श्रवण कराई, उसका आप सब श्रवण करेंगे। सृष्टि प्रकरण, जो सृष्टि पर हम उपस्थित हैं, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, विराट स्वरूप का वर्णन, कपिल देहूति संवाद, श्री ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज की कथा का आप सब श्रवण करेंगे। तो आइए सभी भाव से प्रेम से कथा को विश्राम देते, समय पर पधारे। हम देख सकते 2 दिन से थोड़ा बारिश है, परंतु फिर भी वर्षा के पश्चात भी आप सब इतनी उपस्थिति में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चारों तरफ सड़कों पर पानी भरा है, लेकिन प्रभु की कृपा और हमारे यजमान जो हैं सारे आयोजक, उनकी मेहनत की एक बूंद जल भी इस पंडाल में वो आने नहीं दे रहे, अपने कर्म से, मेहनत से। तो आप सब समय पर पधारे, समय पर आए और कथा का आनंद लें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कुर्सियों को भी आराम दे दो। भगवान नाम में नहीं खड़े होगे, नाचोगे नहीं तो कहाँ नाचोगे, संसार में नाच क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत भगवान के नाम में भी नाचो। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा के प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
सभी करते दोनों हाथ मिलके, जैसे श्रीमद महाप्रभु जी करते थे, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। एक बार सभी सीधी तरफ करेंगे, एक बार इस तरफ साथ में मिलके। हरे कृष्ण हरे धर्म की जय जय श्री राम।